नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट की। इंडिपेंडेंट टीवी ने अब एक चैनल बंद होने का जो नया बहाना बनाया है और उसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स ओटीवी इंडिया एट नोएडा जो बॉक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है उस पे डाल दी है। तो डियर कस्टमर, द इश्यू ऑफ चैनल फ्रीजिंग इन द रिसेंट पास्ट इज बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट इन द सेट टॉप बॉक्स मैन्युफैक्चर बाई ओटीवी इंडिया एट नोएडा यूपी। इफ प्रॉब्लम्स री अकर्स प्लीज कॉन्टेक्ट ओटीवी इंडिया डायरेक्टली ऑन देयर कस्टमर केयर नंबर। ये उनका बॉक्स ओटीवी इंडिया जो बॉक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है उसका कस्टमर केयर नंबर दिया गया है डायरेक्ट 8826505040। वी आर आल्सो वर्किंग विद ओटीवी इंडिया टू फाइंड टू ए सॉल्यूशन। तो आगे ये लिख रहे हैं क्वेश्चन जो इनकी ये सूचना दी गई, एस टी वी मैन्युफैक्चरर इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड वारंटी ऑफ वन ईयर। एनी परफॉर्मेंस इश्यू इन एस टी वी इज टू बी रिजॉल्व बाई ओटीवी इंडिया ओनली। तो आज तक किसी भी डी टी एच कंपनी ने अपनी किसी भी प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बॉक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी पर नहीं डाली है, तो ये इंडिपेंडेंट टी वी का अपनी जान छुड़ाने का एक नया बहाना है। कभी चैनल फ्रीज हो रहे हैं, कभी कोई पैकेज बंद हो रहा है, जी टी वी का, स्टार का और कलर्स का भी बंद पड़ा है और अब शायद आगे सोनी पैकेज की भी बारी आ सकती है। तो चलो, ये फ्रीजिंग प्रॉब्लम तो एस टी वी कंपनी का हो गया और जो ये जी टी वी और पीछे स्टार प्लस का पैकेज चला गया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो अब लग तो यही रहा है कि इंडिपेंडेंट टीवी जो कंपनी है इसका कुछ भरोसा नहीं है, कब तक चलेगी, क्या होगा इसका। सस्ते के लालच में कस्टमर्स ने लिया, डीलर्स ने बेचा, अब देखो सस्ते में जो मिला है उसका क्या बनता है अब आगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये नया सर्कुलेट हो रहा था, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो आप इस फ्रीजिंग प्रॉब्लम भी 4-5 दिन ये कह रहे हैं रहेगी अभी, तो कभी भी आ सकती है, चैनल रुक रुक के चलेंगे। तो आप इस नंबर पे कॉल करके देख लेना जो इन्होंने दिया है, होगा कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।